अरे हट जा हट जा, देखा आजकल तो बच्चों का भी है छोटा सा, बहुत कर रहा रास्ता पड़ गया हमें आने आने में भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब बरेली से तो मैं अपने बहुत खून पिया है आज, और हम लोग पता नहीं कौन से जंगल में आ चुके हैं अभी, और पीछे तो सावधान लिखा हुआ था यहाँ पे। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग एक नंबर होने वाला है। तो अभी हम लोग बहुत दिनों से लेट हो रहा था, व्लॉग बन नहीं रहा था, व्लॉग आ नहीं रहा था, सब बोल रहे थे क्या हुआ भाई। तो अब कुछ नहीं है सीन, हम लोगों ने प्लान बनाया है, थोड़ा सा लॉन्ग राइड है, पीलीभीत जाते हैं और वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, कैसा है क्या नहीं, और राइड पे चलते हैं, राइड भी करेंगे और वहाँ जाके थोड़ा विजिट भी हो जाएगा, देखेंगे कैसा है क्या नहीं है। तो अभी अलीम भाई अपना डोरेमोन उठ गया, थोड़ा सा लेट है अभी, तो अभी बस 6 बज गए हैं क्योंकि अभी ठंड हो गई है, और ठंड के चक्कर में थोड़ा सा लेट ही निकलना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा रहता है, थोड़ा कोहरे का भी सीन होता है। तो अभी चलते हैं, अलीम भाई आ रहा है और फिर फ्यूल अप कराते हैं, फिर निकलते हैं, हम मिलते हैं सीधा अलीम भाई के साथ। सो व्हाट्स अप ऑल, वेलकम बैक विद द मोटर व्लॉग अपना। तो अपना डोरा आ गया था और अब की बार बिल्कुल माइक वाइक सब कुछ लगा है, फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक है, सब ऑल डन है। तो अभी निकल गए हैं घर से और अभी चलते हैं, थोड़ा फ्यूल अप करवाते हैं और फ्यूल अप के बाद फिर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। और अभी एंगल का कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज अभी पेट्रोल पंप पे रुक के तभी फिर एंगल चेक करना पड़ेगा ना, अभी जैसा भी एंगल होगा, बट आवाज आई थिंक अच्छी आनी होगी और अच्छी ही आती होगी। तो अब फ्यूल अप हो गया है और हम सीधे चलते हैं लेफ्ट राइट देखकर, बिकॉज सो मेनी पीपल इज द क्रॉसिंग द रोड। हवा नहीं थी यार यहाँ पे, हवा डलवानी थी, तो अब देखते हैं अगर कहीं पे हवा मिलेगी या नहीं। अपना डोरेमोन भी आज फुल माउंट वाउंट लगा के चल रहे हैं और हम भी चलते हैं अब सीधे रेडिशन से, फिर सीधे जाना मेरे को एक तो पता है, ज़्यादा रास्ता भी याद नहीं है, हम थोड़ा सा मैप भी यूज़ करेंगे और बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। अरे यार गड्ढे क्यों है इतने यहाँ पे, मूड खराब हो रहा है यार। अपना डोरेमोन के दोस्त मिल जाते हैं तो उनके साथ खेलने लगता है। अपन आ गए हैं रेड एंड ब्लू और अब यहाँ से रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं कैसा है क्या है रास्ता, कार से गया हूँ बट मैं कभी ड्राइव करके नहीं गया या मतलब देखकर। स्ट्रेट रास्ता है बिल्कुल सीधा, रैंडम जाएंगे, डोंट वरी। और अभी हम चल ही रहे हैं फिलहाल, तो चलते रहे, मजा आ रहा है, हाथ ठंडे हो रहे हैं भाई और धूप भी जितनी आ रही है, बस ज्यादा धूप नहीं है, गर्मी नहीं हो यार ज्यादा, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। अच्छा चल ही रहे हैं फिलहाल, अपना डोरेमोन भी साथ में, डोरेमोन थोड़ा धीरे धीरे चलने के बोला है क्योंकि भैया ने व्लॉग देखा था तो ये बोला था कि डोरेमोन बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, तो हमने बोला भाई 100 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। और फिलहाल ये 100 वाला रोड भी नहीं है यार, बहुत गंदा रोड है मेरे हिसाब से ये, इसलिए बिल्कुल होले होले साजिना धीरे धीरे। तो अब चलते हैं, एंजॉय करते हैं, यही है। देखो कुत्ता कुत्ता यार, ये बहुत गंदा रोड है, मैं बोल रहा हूँ ना, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो बहुत भी केयरफुल होके चलाना पड़ेगा। तो आप चलते रहेंगे, you and me we can run.
पहलवीत मैप खोलियो मैप। तो वो 21 किलोमीटर रह गया है। गूगल मैप खोलने के लिए देखा था 2 मिनट, क्योंकि ये पीलीभीत तक तो रास्ता तो सही था, समझ में आ गया, बट इसका नहीं पता था क्योंकि ये पीलीभीत से 18-15 किलोमीटर आगे है। तो अभी मैप देख लिया है, अब चलना है सीधे सीधे थोड़ी सी दूर पे लेफ्ट आने चलते हैं। धूल उड़ा है, वाह वाह। और रोड पे ऐसे लग रहा है ये पिंचर हो गए हो तो इस पिंचर को जोड़ा हुआ है, वैसा रोड लग रहा है। अपने को राइड करनी थी बट इस राइड पे थोड़ा वैसा सीन। हाईवे पे अपना अलग मजा होता है बिकॉज हाईवे भी अभी नया नया बना है और ये पता नहीं कैसा रोड है, बेकार है, मजा नहीं आ रहा है। प्लस हर जगह से जानवर आ रहे, ज़्यादा तेज भी चला भी नहीं सकते और धीरे भी नहीं चला सकते क्योंकि सिंगल रोड है, पीछे से फिर कोई ना कोई हॉर्न देके साइड के लिए, तो इसलिए स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो आप बस चलिए रहे, यहाँ पे कोई टन है, टन देखते हैं कहाँ का टन फुल है। मैप देख लिया है, 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ रहा है तो चलते हैं अब, क्योंकि पीछे पीछे साथ साथ में ही चलते रहे, आगे पीछे नहीं होना ज्यादा। तो आगे इस साइड पे नहीं है गए? अरे इधर नहीं है, इधर ठीक है ठीक। पता नहीं क्या यार गूगल मैप पागल बना रहा है, कभी 3.5 किलोमीटर पीछे, 3.5 किलोमीटर आगे। अभी एक गांव में घुस जाते हम लोग बच गए, नहीं तो अभी पता नहीं कि कौन से गांव में होते। क्या हुआ, होटल ले ना आगे? ऐसी पूछते पूछते 1 साल लग जाएगा, बेचारे गांव वालों हो गया पता। गूगल मैप के जरिए से ही चलते, पीछे से चल रहे, पता नहीं कौन से गांव में आ गए। क्या है, क्या करें भाई, कोई रास्ता ही नहीं। हेलमेट मत उतार, हेलमेट पहन के पकड़, मोड़ गाड़ी, मेन हाईवे पे चल रहे हैं। आओ पहले हैं, सीधे सीधा रोल आ रहा क्या बड़ा? पता नहीं कौन से गांव में आ गए भाई, रास्ता पूछते पूछते अब निकलने में क्या दिक्कत है भाई। चलो अलीम भाई नेविगेट कर रहे हैं अपने को। तो अब फोन एक्सचेंज कर लिया है, मेरा फोन डाउन हो गया यार, लगातार 2 घंटे चलने के बाद बैटरी नहीं बची उसमें। अब क्या करें, गरीब है ना, हम GoPro खरीदेंगे बट थोड़ा टाइम, एक आध ब्लॉग जब वायरल जाएगा तो तभी GoPro लेंगे, अभी GoPro लेके कोई फायदा नहीं है। तो मैप ने बहुत खून पिया है आज, और हम लोग पता नहीं कौन से जंगल में आ चुके हैं अभी, और पीछे तो सावधान लिखा हुआ था यहाँ पे। घर से निकले हुए 6 बजे हो गए थे, अब 8:30 हो गए, दिमाग खराब है, बहुत सुनसान थे यार रात में, तो यहाँ पे फट जाएंगे अच्छी अच्छी की भाई हालत में, पूरे हालत मिट्टी मिट्टी हो गई। अब ये दुआ कर कि इस रास्ते से अपने को सीधा मिल जाए। बहुत कर रहा रास्ता पड़ गया हमें आने आने में भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें अब बरेली से। तो यहाँ पे हालत ऐसी हो गई है, आते आते माँ कसम दिमाग खराब हो चुका है मेरा पूरा। फोन भी इसका लगा लिया था मैंने, अच्छा वाला आया था, और ये पूरे मिट्टी ही मिट्टी हो गई है। अब मैं किस मुँह से अंदर जाऊँगा, आदमी कहेगा ये लोग आ कहाँ से रे। तो अपने को अभी देखना रेस्टोरेंट सीधे। अभी डाइनिंग कर लिया था और मुँह हाथ वगैरह सब धो लिया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, अच्छा पता नहीं कौन सा गांव था, सब दिमाग खराब हो गए। तो अब यहाँ पे मेन्यू का कोई सीन है नहीं, बफे का सीन है,
तो अभी उठते हैं, कुछ लाते हैं, खाते हैं, थोड़ा दिमाग को बूस्ट करते हैं, तो अब चलते हैं। तो हमने ले ली है इडली और पराठा, थोड़ा सा कर्ड, दही, तो अब खाते हैं और अपना डोरेमोन। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? नहीं भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, बट यार वो गांव नहीं पड़ता। बस जो गांव पड़े ना, हमने मेरे खोपड़ी का खोपड़ा कर दिया। अब यहाँ पे बैठे हैं सुकून से, ज़्यादा कदर भी नहीं है। अब खाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर बाहर रील वगैरह। तो अब खा लिया भाई साहब, ले गए भटूरे। यार इसे भटूरे जैसे वैसी जैसे भटूरा और पसंद है। पूड़ी है? पूड़ी, पूड़ी है भटूरे, पूड़ी है। बिना कॉफ़ी के तो भाई ना सुबह होती है ना रात। मम्मा घर से पी के निकला तो कॉफ़ी, बट अभी और पी ताकि माइंड फ्रेश हो, ब्लॉग कैसे बने, एनर्जी चाहिए भाई। पराठे के साथ खा रहा है। ब्रेकफास्ट कर लिया था बेहतरीन घर के, तो अभी बाहर आ गए। हमें क्या पता भाई, एकदम से यार यहाँ पे धूप बढ़ गई है, अब क्या करोगे? अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा क्या है क्या नहीं। स्विमिंग पूल में तो ऑलरेडी सब बच्चे नहा रहे, हम तो नहाएंगे नहीं भाई। अभी घर भी जाना है, घर बहुत दूर है यहाँ से। अभी देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे, देखते हैं रील वगैरह सब छोटे लेते। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और रील वील वगैरह बना ली, और बढ़िया है, सुकून है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कोई शोर शराबा नॉइज़ नहीं है, और ब्रेकफास्ट भी अच्छा ही था। और यहाँ पे अभी वेडिंग का सीन था, इसलिए ज़्यादा कुछ मतलब दिखा नहीं पाया, बिकॉज बीच में सब कुछ सजावट है और वहाँ पे भी सब लोग घूम रहे, तो मैंने थोड़ा सा सही नहीं लगता है मुझे, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा खुलेगा माइंड, अब थोड़ा सा शर्मी लग रही है, बहुत तेज हो रहा है टाइप। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जस्ट एंट्री से थोड़ा सा ही अंदर को स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल यहाँ पे है, और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी जगह है पूरी प्रॉपर, और ये प्राइवेट रूम्स हैं रात के मतलब डिनर वगैरह के लिए, और बढ़िया है सीन शॉट। अब फैमिली के साथ आऊँगा मैं, फिर एक और व्लॉग बनाएंगे एक दो वीक। ये है पूरा स्विमिंग पूल, वहाँ पे बच्चों का भी है छोटा सा, और बाकी अपने टाइप के लिए तो यहाँ पे है ही। अब ठंड स्टार्ट हो गई है, नहीं तो गर्मी में थोड़ा आइडिया होता तो आते हैं यहाँ पे। और ये लिखा हुआ अपना रॉयल किंगडम रिजॉर्ट, अच्छा खासा बड़ा है। तो अभी हम चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 10, बाकी मिलती सीधे मोटो ब्लॉक पे। फोटो खिंचवानी थी KTM पे, तब इनका फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। तो आप सब कुछ हो गया है, फोटो शोटो हो गया सब, शर्ट भी चेंज कर ली है, और यार मूड खराब हो गया था आने वाली क्लिप से पहले, बिकॉज मैप ने गड़बड़ कर दी उसके चक्कर में। ठीक है, ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली बार। तो अब निकल चुके हैं अपने वापस वाले एनर्जी के साथ, जैसे सुबह में थी। अब वो थोड़ा सा आते आते दिमाग खराब हो गया यार, पता नहीं कहाँ अटरी पटरी पे पहुंच गए, और अभी आगे बहुत तगड़ा सीन शॉट है। वो देखो ये बच्चे फोटो के लिए रुके थे, और इन लोग को मैं मना कर देता हूँ कि आराम से चलाओ, भगा मत, आराम से चल, आराम से चल, चोट लग जाएगी, बच्चा बैठा, आराम से चल। ये है अपना पीलीभीत टाइगर रिजॉर्ट।
तो ये पूरा लेफ्ट एंड राइट में पूरा जंगल है ए टू जेड, और यहाँ पे मतलब ये सब देख रहे हो ना बोर्ड पे क्या है पढ़ लेना, बट मैंने जो गूगल पे देखा था सीन शॉट उसमें तो यही था कि मतलब टाइगर का सीन बहुत है यहाँ पे। अरे हट जा हट जा। तो फोटो वीडियो के लिए रुक गए थे, हो गई फोटो वीडियो सब हो गया, ऑल इज डन। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, एक बार मैप चेक कर ले अपने फोन में। क्यों चाचा बरेली की है सीधे पीछे इधर से नहीं है ये गली। तो थोड़ा सा फ्यूल कम लग रहा था तो मैंने सोचा रिस्क लेना नहीं है, अब फ्यूल डलवा के सीधे घपा घप मारनी है घर पे, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है, एनर्जी फुल है, बरकरार है। और ये भैंस की जियो रिलायंस का पेट्रोल पंप पे फर्स्ट टाइम फ्यूल अप हो रहा है मेरा तो, और अपना डोरेमोन को लग रही है गर्मी है और साथ में व्लॉगिंग भी हो रही है भाई साहब के। हाँ कॉस्ट इसकी 260। हाँ उसकी 260 जी। मेरे चैनल देखा है यूट्यूब पे देखा है? अच्छा अच्छा यूट्यूब पे देखा होगा आपने, ठीक है थैंक यू। तो बहुत सारे रिएक्शंस भी मिलते हैं, लोग भी बातचीत करते हैं, सबको बढ़िया लगता है। और ये आई थिंक चौराहा आ गया है जिसका हमको इंतज़ार था, पता नहीं कौन सी जगह है, पानी पीनी है, कोई बढ़िया सी शॉप देखते हैं यार रुकने के लिए। ठीक है भाई, तो 5 मिनट ब्रेक के लिए रुके थे, पानी पीना था, प्यास लग रही थी बहुत क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था तो पानी ज़्यादा पिया नहीं था। तो अब पानी वानी सब हो गया है डन। और बरेली अभी भैया बता रहे थे जैसी 35-40 किलोमीटर रह गए, तो अब चलते हैं आराम आराम से क्योंकि ये रोड भी बहुत चलता है। देखो है फालतू बूस्ट हो रहा है, देखो देखो। अब मैं ऐसे मतलब हर राइड पे मेरे साथ ही क्यों भाई ऐसे देख के बूस्ट होते हैं, मतलब इसका कोई दे देखो 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 बचा बचा बच गया बच गया बच गया बच गया। देख देख देख, देख। क्या है यार मतलब कुछ भी। तो अब फाइनली बरेली इंटर हो गए हैं, 1 2 3 बस घर पहुंचने वाले हैं। बीसलपुर 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 बीसलपुर। अरे कहना क्या चाहते हो? और डोरेमोन अपना जल्दी जल्दी चल रहा है कि मम्मी मुझे घर जाना है आज। डोरेमोन को अरे ये नींदोश बेचारे ने अपनी शॉप भी ऑन नहीं की है आज, बोला राइड करेंगे भाई चलेंगे दी रॉयल किंगडम ब्रो रिजॉर्ट। और हो गए बढ़िया था यार रिजॉर्ट, बस अगर थोड़ा सा वेडिंग का सीन शॉट नहीं होता तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते, बट जब मैंने पूरा अपना 100% दिया है वहाँ पे ब्रो। हाँ भाई क्या कह रही है, कौन सा स्टैंड कर रहा? हाँ चल तो अब क्या बोलना चाहेगा भाई इतना राइड करने के बाद, देख रहे हो बिल्कुल उबला हुआ अंडा लग रहा है पूरा लाल। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। तो चलो अब इसको बंद करते और बाय बाय करते। तो आप घर पे आ चुके हैं और बिल्कुल हालत खराब है, पूरा धूली धूल है मुंह, बाल बिल्कुल अजीब से हो गए और सर दर्द हो रहा है। तो आप नहाते हैं धोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताने कैसा है क्या है ताकि रिस्पॉन्स पता चले कैसे आ रहा है। और बाय बाय टेक केयर मिलते हैं।